गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं कर चुका हूं ब्रेकफास्ट। उसके बाद अभी मैं चल रहा हूं अपने खेतों की तरफ और आपको दिखाता हूं कि अभी क्या काम चल रहा है यहां पर, और अपने बगीचे की भी प्रोग्रेस मैं आपको दिखाता हूं कि अभी कितना प्रोग्रेस हो चुका है। सो अभी चलते हैं बगीचे की तरफ। ये आप देख सकते हैं अभी मटर तोड़ाई चल रही है, ये देखिए 3 लोग अभी मटर तोड़ रहे हैं। देखिए कितना हरा भरा लग रहा है बगीचे आजकल। आज हवा बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि कल और परसों यहाँ पर शाम के टाइम पे बारिश हुई थी, तो इसलिए थोड़ा मौसम भी बहुत सुहाना है आज। ये देखिए गाइस, आड़ू में कितनी प्रोग्रेस है अभी। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और ये देख सकते हैं इतने बढ़ चुके हैं अभी। ये देखिए, अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये देख सकते हैं गाइस। 2 बारी हम मटर तोड़ चुके हैं इसमें से, ये तीसरी बारी है। और ये भाई लोग हमारे गांव से ही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भाई पूरा चाकू ही लेके आया है यहाँ पर। इस बारी गाइस मटर की पैदावार काफ़ी कम हुई है बारिश न होने की वजह से, बट जितना भी हुआ है काफ़ी अच्छे हुए हैं क्वालिटी वाइज अगर आप देखें, और प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं इनके अभी आजकल। ये कैप वाला जो लड़का आप देख रहे हैं ना गाइस, इसका नाम है ये इसको बोलते हैं बलुआ। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम नाम ऐसे ही मिल जाएंगे, जैसे खुशिया, जैसे खुशहाल होगा तो उसका नाम खुशिया रख देंगे, चंदन होगा तो उसका नाम चनिया रख देंगे, तो इसी तरह से इसका नाम भी बलुआ है। और अशोक हुआ तो अशवा रख देंगे, तो इस तरह के नाम आपको काफ़ी मिलेंगे यहाँ पर। एंड गाइज, अभी की करंट सिचुएशन ये है यहाँ की, 4 से 5 महीने हो गए थे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो कल और परसों शाम को थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश हुई है। तो बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर फसल ख़राब हो चुकी है काफ़ी लोगों की। तो जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो हम लोगों ने 13 किलो यहाँ पर मटर के बीज ला के लगाए हुए थे, तो हमारे तो फिर भी ठीक ही हो रखी है अभी। और तो आप 300 रुपये के पर केजी के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना होता है ये 13 किलो के हिसाब से। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से जो बाज़ार से ये लोग बीज लेके आए थे मटर की, वो तक रिकवर नहीं हो पाई उन लोगों की। तो अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि प्रकृति है, कुदरत के सामने तो किसी की चलती है नहीं। देखिए गाइस, कैप वाला लड़का मुंह में चाकू दबाए हुए। एक ही में डाल दो। सो
सो गाइज, इसके बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहली वाली वीडियो है जो मेरी मटर की, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। इसी से जो है हम मटर की कटिंग करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल कोई भी लकड़ी आप ले सकते हैं, और इसमें जो है बीच में गैप करना पड़ता है, यहाँ पर किसी भी चाकू से या किसी से गैप कर दो आप, और इसमें फिर ब्लेड आप इसमें डाल देंगे, और फिर इसके पूरे बाहर से इसमें ये जो है रबड़ बांध देंगे हम टाइट तरीके से, तो ये फिर एकदम स्टक हो जाएगा और ये काटने में बहुत सही रहता है। इसको वैसे कोई नाम तो है नहीं, ये घर में ही इन्वेंशन किया हुआ है हमने, इसको होममेड टूल आप कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। गाजी, ये टूल किट का फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम सेफली इसको तोड़ सकते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें हाथ से तोड़ना पड़ेगा इस तरह से, और ये यहाँ से डैमेज हो सकता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो बहुत सेफ रहता है ये, और इसी तरह से हम लोग तोड़ दें इसे, ये आप देख सकते हैं, तो मटर की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और दिखने में भी अच्छा लगता है मटर। ये देखिए गाइस, ये नाशपाती का पेड़ है, और इसमें भी नाशपाती आप देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होने स्टार्ट हो गए हैं अभी। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप खुबानी का पेड़, और इसमें भी अभी आप इसके दाने देख सकते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसका एक रीज़न है, और रीज़न वही है कि बारिश नहीं हुई है यहाँ पर बहुत टाइम से, तो ये इस बार बहुत जल्दी भी हो गए हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता था तैयार होने में से, बट अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस, आलू में भी अभी फूल आ चुके हैं, तो इसी के साथ ही लगते हुए हमारा कीवी का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं अभी इसमें पत्तियां वगैरह आ चुकी हैं, एक पेड़ यहाँ भी है ये। इसमें बस अभी फूल आने बाकी हैं। के साथ ही गाइज, ये आप देख सकते हैं प्लम के पेड़, एक्चुअली अभी पत्ते आ चुके हैं, तो फ्रूट भी अभी हरा ही है, इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। सो गाइज, अभी हो चुका है लंच का टाइम, बुलावा आ चुका है घर से, और अभी टाइम हो चुका है आपका, 1 बज चुके हैं, तो करते हैं लंच, फिर मिलते हैं उसके बाद। वेलकम बैक गाइज, अभी वापस खेत पे हम आ चुके हैं, और 1 बजे हम वापस गए थे लंच पे, तो 1:30 बजे तक हमने लंच किया, उसके बाद फिर 1 घंटा हमने रेस्ट किया, उसके बाद हमने एक चाय पी, देन अभी हम फिर बैक टू वर्क आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी लगे हुए हैं कुछ लोग, 2 लोग अभी बढ़ चुके हैं यहाँ पर, ये हैं हमारे फैमिली मेंबर, और ये देख सकते हैं ये है हमारी भाभी। हेलो, इधर को शकल तो दिखा लो अपनी, आंटी शकल तो दिखा लो यार इधर को, ये हमारी भाभी। हेलो हेलो बोल रहे तो गाइज, अभी हो चुका है टाइम 6:30 शाम के, और अभी तक मटर ही तोड़ रहे थे हम लोग, तो अभी निकलते हैं घर की ओर। सो गाइज, अभी पहुंच चुके हैं घर, और ये देख सकते हैं आप, इन्हें कट्टे बोला जाता है,
और ये जो पांच इसमें लिखा हुआ है ये थोक होता है, ये दर्शाता है कि हाँ ये पांच हमारे इकट्ठे हुए हैं। सो गाइज, आज के दिन का पूरा रूटीन मैंने आपको दिखाया और अभी हो चुके है शाम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।